नमस्कार दोस्तों, फीमेल्स को ल्यूकोरिया की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, वाइट डिस्चार्ज की, सफ़ेद पानी की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, आज मैं आपको इसकी एक होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जिसको यूज़ करने के बाद ये ल्यूकोरिया की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आमतौर पे वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ही आम है, ज़्यादातर प्यूबर्टी के समय में जब मेंसेस चालू होते हैं, प्रेगनेंसी के समय में, और साथ ही साथ जब फीमेल गर्भ निरोधक गोलियां खाती हैं तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। दोस्तों, कभी कभी मेंसेस के बाद भी कुछ दिनों तक वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन ये डिस्चार्ज बिल्कुल पानी के रंग का ही होता है, हल्का सा चिपचिपा होता है। दोस्तों, जब ये डिस्चार्ज वाइट कलर का होने लगे, हल्का सा वाइटिश होने लगे और बहुत ज़्यादा चिपचिपा होने लगे और वहाँ पर ईचिंग भी होने लगे, इरिटेशन भी होने लगे, दोस्तों इस एबनॉर्मल डिस्चार्ज को, इस वेजाइनल एबनॉर्मल डिस्चार्ज को ल्यूकोरिया बोलते हैं। ल्यूकोरिया बहुत ही ज़्यादा आम समस्या है और इसके कारण बहुत सारे हैं। सबसे जो कॉमन कारण है वो है जेनेटिक, मतलब अनुवांशिक। अगर आपकी मम्मी को बार बार ल्यूकोरिया की समस्या है तो आपको भी हो सकती है। दूसरा कारण है हार्मोनल डिसबैलेंस, मतलब जो आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं रहता है। तीसरा कारण है दोस्तों इन्फेक्शन, बैक्टीरिया मतलब कीटाणु और जीवाणु के इन्फेक्शन के कारण और वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण ल्यूकोरिया होता है। और इस कंडीशन में ल्यूकोरिया के साथ साथ हमें खुजली भी बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ जो ल्यूकोरिया डिस्चार्ज होता है वो हल्का सा येलोइश और हल्का सा ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है और उसमें काफ़ी स्मेल भी आती है। एक कारण है कि डिलीवरी के दौरान अगर इंजरी हो जाती है उसके कारण भी ल्यूकोरिया होता है। दोस्तों, अगर आप साफ़ सफाई नहीं रखते उसके कारण भी ल्यूकोरिया होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव खाते हैं उसके कारण भी ल्यूकोरिया होता है, और कभी कभी एंड्रोमेट्रियम में अगर इन्फ्लामेशन, सूजन आ गई है बच्चेदानी में तो उसके कारण भी ल्यूकोरिया होता है। दोस्तों तो दोस्तों ये थे कारण। सिम्टम्स बहुत ही आम हैं और लगभग सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो डिस्चार्ज होगा वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होगा, कभी भी डिस्चार्ज होगा, मेंसेस के पहले भी डिस्चार्ज होगा, बाद में भी डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज में खुजली भी होगी, साथ में स्मेल भी रहेगी, कभी कभी वो येलोइश रहेगा, कभी कभी वो हल्का सा जैसे मिल्किश रहेगा, मतलब मिल्क दूध जैसा दिखेगा और चिपचिपा रहेगा, और कभी कभी ग्रीनिश रहेगा। दोस्तों, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। अगर आपको ल्यूकोरिया है तो कमर में दर्द, पैरों में दर्द, थकान और जल्दी थक जाना, हाफी आना, ये बहुत ज़्यादा आम है। और साथ में जब आप कैल्शियम की जांच कराते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम और विटामिन की कमी होती है। दोस्तों, विटामिन की कमी और अच्छे से खाना ना खाने के कारण भी ल्यूकोरिया होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। दोस्तों, ये थे इसके साइन एंड सिम्टम्स। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो मैं आज आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और ख़ासकर एक पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जिसको यूज़ करने के बाद आपको ल्यूकोरिया की समस्या नहीं होगी। दोस्तों, ये है लिलियम टिक पेंटार्गन। दोस्तों, लिलियम टिक पेंटार्गन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है ल्यूकोरिया के लिए, साथ साथ डिसमेनोरिया के लिए और मेनोपॉज के लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये लिलियम टिक पेंटार्गन WSI मतलब डॉक्टर विल्मर शॉबे इंडिया की पेटेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अंदर 5 होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है जो कि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ल्यूकोरिया के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है, उसके बाद मैं आपको इसको यूज़ करने का, पीने का तरीका बताऊंगा, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा, और सबसे लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपको कहां पर मिलेगी और कितनी इसकी प्राइस है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं इसके अंदर कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन मिली हुई है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें मिली हुई है लिलियम टिक या लिलियम टिग्रीनम। दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लिलियम टिक, खासकर वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस में ये असर करती है। वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो ज़्यादा डिस्चार्ज करने लगता है जिसके कारण हमें ल्यूकोरिया होता है। उस म्यूकस मेम्ब्रेन को ये सही करती है और ल्यूकोरिया को भी सही करती है। दोस्तों, खासकर अगर आपको येलोइश कलर का ल्यूकोरिया होता है तो लिलियम टिक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, खासकर अगर आपको ईचिंग होती है और एक चुभन जैसी होती है तो लिलियम टिक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है
हाइड्रेस्टिस। दोस्तों हाइड्रेस्टिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ल्यूकोरिया के लिए, और मैं अलग से भी हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर ल्यूकोरिया में प्रिस्क्राइब करता हूँ 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार। हाइड्रेस्टिस अगर मेंसेस के बाद बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी की समस्या होती है तो हाइड्रेस्टिस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। एक मेडिसिन है इसमें क्रियोजोटम। दोस्तों क्रियोजोटम के बारे में आप में से काफ़ी सारे लोग जानते होंगे कि कहीं भी अगर बदबू करता है तो क्रियोजोटम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर आपको ल्यूकोरिया में बदबू आता है, डिस्चार्ज के साथ बदबू भी है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। साथ ही साथ अगर इरिटेशन है, वहाँ पर चुभन जलन या खुजली सी होती है, तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है क्रियोजोटम। दोस्तों एक मेडिसिन है पल्सेटिला। दोस्तों अगर मेंसेस बंद हो गए हैं और मेंसेस के जगह ल्यूकोरिया मतलब सफ़ेद पानी की समस्या चल रही है तो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है पल्सेटिला। साथ ही साथ अगर मेंसेस इरेगुलर रहते हैं और साथ में ल्यूकोरिया की समस्या है, पल्सेटिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर बच्चियों को ल्यूकोरिया की समस्या होती है तो पल्सेटिला बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। लास्ट में इसमें सीपिया मेडिसिन डली हुई है। दोस्तों अगर आप हमेशा उदास रहती हैं, साथ ही साथ आपको ल्यूकोरिया की भी समस्या है, साथ ही साथ आपके अंदर एक जी बोलते हैं ना, जो वाइटल फोर्स है वो थोड़ा कम है, हमेशा उदासी सी छाई रहती है, मेंसेस इरेगुलर भी हैं, कुछ काम करने में मन नहीं लगता, कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द है, सीपिया बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। अब चलते हैं इसको लेने का तरीका, तो बहुत ही सिंपल है इसको लेने का तरीका। सबसे पहले आप 1/4 कप पानी ले लीजिएगा, लगभग 10 ml पानी आप अपने छोटे से कप में डाल लीजिएगा। उसके बाद आपको लिलियम टिक पेंटार्गन को लगभग 10 से 15 बूंद डालना है, एक बार सुबह पीना है उस पानी को, फिर उसके बाद दोपहर में भी ऐसे ही करना है और एक बार रात में भी करना है। तो मतलब 10 से 15 बूंद 1/4 कप पानी में डाल के दिन में 3 से 4 बार पीना है। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब चलते हैं मेरे ओपिनियन की तरफ। तो सबसे पहले मेरे क्लिनिक में बहुत ज़्यादा ये बिकती है, खासकर ल्यूकोरिया के पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा, मैं अभी लगभग 2 साल से इसको प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मुझे मिल रहे हैं। लेकिन साथ में कुछ और होम्योपैथिक मेडिसिन चलानी चाहिए, जैसे कि मेडोराइनम 1 ml। दोस्तों मेडोराइनम 1 ml बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ल्यूकोरिया के लिए, तो उसको ज़रूर यूज़ करिएगा। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। आपको बार बार ल्यूकोरिया होता है, धात की प्रॉब्लम है, खासकर गोनोरियल इन्फेक्शन के कारण अगर आपको धात की प्रॉब्लम होती है तो मेडोराइनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। 2 बूंद सुबह सुबह डेली आपको यूज़ करना है। मान लीजिए मेरे हाथ में मेडोराइनम है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में लेना है सुबह सुबह। मेडोराइनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ल्यूकोरिया के पेशेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और कमर दर्द में भी आराम लगता है। तो आपको लिलियम टिक पेंटार्गन के साथ मेडोराइनम का उपयोग ज़रूर करना है और रेगुलरली करना है। दोस्तों अगर आप ये मेडिसिन 1 महीने तक लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लगभग 50-60% आपका ल्यूकोरिया पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको 3 से 4 महीने तक लेते हैं तो पूरी तरीके से मतलब 100% आपको आराम लगेगा और ल्यूकोरिया पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, मतलब क्योर हो जाएगा, ल्यूकोरिया फिर नहीं होगा। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसको ज़रूर ल्यूकोरिया में यूज़ करके देखें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों ये आपको होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी, 30 ml की मिलेगी और 136 मतलब 136 रुपये की मिलेगी। दोस्तों लगभग 130 रुपये में आराम से आप इसको ले सकते हैं किसी भी होम्योपैथिक शॉप में जाके, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं लिलियम टिक पेंटार्गन के। दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ये ल्यूकोरिया के लिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। तो नीचे एक शेयर की बटन दीजिए, तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।